माइक्रोविलाय पे आ जाते हैं। माइक्रोविलाय आर ऑल्सो नोन एज ब्रश बॉर्डर, ठीक है। माइक्रोविलाय तुम सबको पता है क्या होते हैं, हमने पढ़ा था माइक्रोविलाय के बारे में। माइक्रोविलाय को ब्रश बॉर्डर भी कहा जाता है, बिकॉज अगर आप टूथब्रश देखते हो ना, तो टूथब्रश पे जैसे प्रोजेक्शंस निकली हुई होती है ना, टूथब्रश है उस पर प्रोजेक्शंस निकली हुई होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह सेल के ऊपर वही ब्रश वाली अपीयरेंस आती है। माइक्रोस्कोप पे जब हम देखते हैं तो सेल के ऊपर वही ब्रश जैसी अपीयरेंस आती है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। सेल की एक ऐसी बॉर्डर जो ब्रश लाइक है, एंड दैट इज ड्यू टू माइक्रोविलाय, सही है। तो माइक्रोविलाय क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल सर्फेस मेम्ब्रेन। लेट मी ड्रॉ इट, पहले भी मैंने बनाई थी, आई एम ड्रॉइंग इट अगेन। Okay guys, so these are the microvilli. Which are finger-like projections. Microvilli are brush border. What is the function of microvilli? Yes, guys. अरे सरफेस एरिया कुछ इंक्रीज करती थी ना, याद नहीं है सर उसको। हाँ यही करता है, ऐसे ही कुछ था। फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाय क्या है? इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर फास्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ, फॉर फास्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ substances by diffusion or active transport, by diffusion, osmosis or active transport. Guys, होता ये है कि membrane folding से क्या होता है, ये जो membrane fold हो जाती है ना, जो microvilli बनते हैं वो क्या, किस तरह बनते हैं कि membrane की finger like projections है, membrane fold करती है। तो मेम्ब्रेन की फोल्ड करने से क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्या मतलब है कि नॉर्मली ये मेम्ब्रेन फोल्ड हुई हुई है ना, अगर मैं इसको बाहर निकालूं और इसको स्ट्रेच करूं तो इतनी लंबी होगी ये, बात समझ में आ रही है। फोल्डिंग से क्या होता है, फोल्डिंग से फायदा क्या है कि कम स्पेस में मेम्ब्रेन ज्यादा होगी, ज्यादा लेंथ होगी ना मेम्ब्रेन की, ज्यादा सर्फेस एरिया होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? फोल्डिंग से हमेशा क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है क्योंकि मेम्ब्रेन की लेंथ बढ़ जाती है। फोल्डिंग से सरफेस एरिया क्यों बढ़ता है मेम्ब्रेन का, क्योंकि मेम्ब्रेन की लेंथ बढ़ जाती है। एंड गाइस, अगर मेम्ब्रेन की लेंथ बढ़ गई तो क्या होगा, जो सब्सटेंसेस हैं इफ दे हैव टू एंटर द सेल, ये एब्जॉर्प्शन होनी है सेल के अंदर, सो इट विल बी वेरी वेरी रैपिड। बात समझ में आ रही है? रैपिड क्यों होगी, क्योंकि मेम्ब्रेन की लेंथ बहुत ज्यादा है, सरफेस बहुत ज्यादा है जिसके थ्रू सब्सटेंसेस एंटर हो सकते हैं सेल के अंदर। बात समझ में आई? यानी डिफ्यूजन भी स्पीड अप हो जाती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी स्पीड अप हो जाता है, ऑस्मोसिस भी स्पीड अप हो जाता है। जो भी चीजें सेल के अंदर एब्जॉर्ब होंगी वो बहुत फास्ट एब्जॉर्ब होंगी क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा जगह है घुसने की। कॉन्सेप्ट क्लियर? सही है गाइस, ये माइक्रोविलाय के फंक्शन होता है। कहाँ मिलते हैं आपको माइक्रोविलाय, लोकेशन क्या है? लोकेशन इन ह्यूमन बॉडी, एनी आइडिया? सेल्स ऑफ विलस और स्मॉल इंटेस्टिन। स्मॉल इंटेस्टिन में विलाय होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्मॉल
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाय होते हैं, उन विलाय के जो सेल्स होते हैं उनमें माइक्रोविलाय होते हैं, ठीक है। और कहाँ मिलेंगे? सेल्स ऑफ द नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी, नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? किडनीज के अंदर ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, तो उनके सेल्स में माइक्रोविलाय होते हैं। ये जाके तुम लोग A2 में पढ़ोगे, ठीक है। विलाय तो तुम पढ़ चुके हो ओ लेवल्स में, नेफ्रॉन्स तुम लोग A2 में पढ़ोगे। तो गाइस नेफ्रॉन के जो सेल्स होते हैं उनमें भी माइक्रोविलाय होते हैं। तो ये दो लोकेशन है माइक्रोविलाय की हमारी बॉडी।